गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लगभग मैं रात को 2-3 बार जगी, 1 बजे लगभग मम्मी को नेबुलाइज करा। थोड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर जब ख़त्म होने वाला होता है तो प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि वो स्लो हो जाता है, फिर बार बार उसे तेज करना पड़ता है। जो बीच का उसका कुछ नोजल होता है उसे बढ़ाना पड़ता है, तो मुझे कई बार उठना पड़ा, लेकिन मम्मी को तब भी नींद सही आई। लगभग 1 बजे तक तो मम्मी को बहुत मतलब गहरी नींद आई, बिल्कुल उठी ही नहीं। उसके बाद कहाँ टॉयलेट जाना है तो मैंने लॉन्ग वाला पाइप लगाया, टॉयलेट चली गई। लेकिन अभी ऑक्सीजन थोड़ी फ्लक्चुएट हो ही रही है मम्मी की, मैंने कल चेक नहीं करा उसके बाद, क्योंकि फिर टेंशन सी हो जाती है। मैंने कहा अपने आप मम्मी सही फील कर रही है, हो सकता है ऑक्सीमीटर में कुछ प्रॉब्लम हो। हम वैसे हम लोगों की भी ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही थी, इतनी ज़्यादा कहाँ होती, हार्ट बीट इतनी ज़्यादा, हम सबकी बढ़ी हुई आ रही थी, तो मुझे यही लगा कि कुछ प्रॉब्लम ही होगी उसमें, इसलिए मैंने चेक नहीं करा। अभी सुबह सुबह सिलेंडर लगभग 5 बजे के आसपास खाली हुआ तो मैं सिलेंडर चेंज करा, क्योंकि ऑक्सीजन जो मशीन है उसमें मैक्सिमम 5 तक आता है और मैं थोड़ा ज़्यादा ही चला रही हूँ इस समय, तो थोड़ा स्लो चलती है, तो इसलिए मैं ऑक्सीजन मशीन ही लगा रही हूँ। फिर मम्मी इस समय सो गई है, मैंने कहा जरा मैं गर्म पानी पीती हूँ, गर्म पानी पी रही थी मैं, और बस थोड़ी मैंने इस छोटी किचन की और बाथरूम वगैरह की और एक रूम की डस्टिंग कर दी है, क्योंकि आज घर का पेपर भी है हिंदी का, कल वैसे अपनी ओर से मैंने पढ़ा दिया उसे, अब देखते हैं कैसे आंसर देता है वो, याद तो है उसे। बस ये है कि थोड़ी रिटर्न प्रॉब्लम हो गई है, जितना उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए उसने नहीं करी प्रैक्टिस, मैं कहती भी थी बेटा पढ़ ले, पढ़ता नहीं था। अब सेकंड में फिर उसे प्रॉब्लम आएगी, अभी तो खैर ये साल तो जैसे तैसे हो गया, हो ही जाएगा, इतना तो कर ही लेता है। ओरल तो खैर उसे हर चीज़ बहुत अच्छे ढंग से लर्न है, लेकिन लिखने में और रिटर्न में और स्पेलिंग्स में उसमें अभी थोड़ा ही वीक है, अब बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। अभी तीनों सो रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद ही जगाऊंगी। अब चाय बनाने जाती हूँ मैं, बैठक की मैंने 2 दिन से डस्टिंग नहीं करी थी, शायद ससुर जी करते होंगे, क्योंकि ये काम वही करते हैं जब मैं नहीं करती। डस्टिंग भी कर लूँगी, साथ में चाय बना लूँगी, सीढ़ियाँ वगैरह में पोछा लगा लूँगी। और रात का तो मैंने बाहर ही शाम को ही धो लिया था, लेकिन करीब वो आसपास काम चल रहा है, इस वजह से बहुत ही गंदा हो जा रहा हुआ, तो सुबह धो दूँगी। और बस मम्मी ठीक हो जाए, मे बी मेरे हस्बैंड आज या शायद कल, आज रात तक या कल तक आ जाए, अब क्या बहुत दिन मेरा रूम रह गए अपने किसी काम के कारण, अब आ ही जाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज बच्चे फ्रूट क्रीम कह रहे थे, और बहुत दिन से मैंने कुछ बनाया भी नहीं, तो मैंने कहा चलो आज फ्रूट क्रीम बना लूँगी थोड़ा। लेकिन यह है कि उससे जरा थोड़ा सा कफ सा ज़्यादा चिकनाहट होती है ना, लेकिन उनकी इतनी इच्छा हो रही थी तो मैंने कहा चलिए फिर फ्रूट क्रीम बनाऊँगी। वैसे तो सब जानते हैं कैसे बनती है फ्रूट क्रीम, फ्रूट से बनती है और अमूल क्रीम से ही बनाती हूँ, फिर भी रेसिपी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। हमारे घर के पास इतनी आवाज़ें आ रही हैं ड्रिल मशीन चलने की, हर समय आवाज़ आती रहती है। और आज मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई, कल शाम को उन्होंने अपने बाल धो लिए 4 बजे, और उससे उनको ठंडा लग गया और वो उठी तो सुबह बुखार था, तो मुझे तो पता भी नहीं था उन्हें बुखार है, शाम तक तो मुझे ठीक ही लग रही थी वो। जब मैंने देखा आज क्या हो गया, बड़ी शांति से हो रही है, जब पापा जी से पूछा, पापा जी पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही है, तो आज सारा काम लेट हो गया क्योंकि मम्मी जी उठी नहीं पाई, वरना सुबह का खाना मोस्टली मतलब मम्मी जी ही बनाती हैं। फिर आज मैंने घर का पेपर था, वैसे अच्छा हो गया पेपर उसका, जब काम निपटा तो उसके बाद फिर मैंने मतलब उसका पेपर निपटा तब मैंने क्या था खाना बनाया, तो बस जस्ट अभी हमारा खाना निपटा है, जैसी खाना निपटा वैसी बसंती भी आ गई है, अब वो झाड़ू लगा रही है और पोछा लगा रही है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर में तो मैं ही लगाती हूँ, मैंने वो सुबह सुबह लगा दिया था। और अब हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं मार्केट, आज हिमाद जी को खानी है फ्रूट क्रीम, तो आज मैं बनाऊंगी फ्रूट क्रीम। उसके लिए मुझे फ्रूट्स लाने हैं, एप्पल तो रखे हैं, ग्रेप्स, और अगर कैडबरी शॉर्ट्स मिल जाते हैं, चॉकलेटी से अच्छे लगते हैं, तो मैं बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो सबको आती है वो, बहुत नॉर्मल सी होती है। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ मार्केट, एक मेरा कुरियर आने वाला है, होली शायद होली के कपड़े ही आने वाले हैं, तो उसको भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बनाने जा रही हूँ अमूल फ्री फ्रूट क्रीम, उसके लिए मैंने लिए हैं 2 अमूल और ये वेफर स्टिक्स, इसके अलावा लिए हैं अनार, केला, सेब और अंगूर। पहले मैंने वॉश कर लेती हूँ और इन्हें अच्छे से कट कर देती हूँ। और हम लेंगे इसके लिए आइसिंग शुगर और क्या रेनबो बॉल्स, आप जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले मैं इनको कट कर लेती हूँ, फिर आगे फिर हम फ्रूट क्रीम बनाएंगे। मैंने सारे फ्रूट अच्छे से वॉश कर लिए, उनके बाद इनको देखिए छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, एप्पल को, बनाना को, पॉमीग्रेनेट, और क्रीम भी मैंने बोल में निकाल ली है,
और चॉकलेट के पीस कर लिए, जेम्स भी निकाल लिए। अब इसमें मैं डालूंगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर आप अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कि आपको कितना मीठा खाना है या कम मीठा लेना है। इसके अलावा आइसिंग शुगर के बदले आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, उसे आप मिक्सी में पीस लीजिए और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे। मैंने चिल्ड क्रीम यूज़ नहीं करी है, आप चाहें तो चिल्ड यूज़ कीजिएगा, इससे थोड़ी सी ये थिक भी हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी बोल में सारे जो फ्रूट्स हैं डाल करके फ्रूट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करा जाए, तो मैंने 3 ग्लास ली हैं, उसके बॉटम में डाले हैं 2 जैम्स और अब मैं डाल रही हूँ एप्पल के पीसेस। उसके बाद मैंने ऐड करे थोड़े पॉमीग्रेनेट और उसके बाद अब मैं डालूँगी जो मैंने क्रीम तैयार करी थी आइसिंग शुगर डाल के, वो ऐड कर दी। वैसे चिल्ड खाना ये बहुत अच्छा लगता है, ये ऐड करी देखिए इसमें। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसमें बनाना। जितने भी फ्रूट्स चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास मुझे मतलब अपने घर के पास इतने ही अवेलेबल हुए तो मैंने इतने ही फ्रूट्स यूज़ कर रखे हैं। ये बनाना डाल दिया और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रेप्स। ग्रेप्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब फिर से मैं इसके ऊपर से क्रीम डालूंगी। 3 ग्लास में मैंने क्रीम डाल दी है और आप जैसे भी इसे डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मुझे पसंद है मैंने उस तरीके से किया है, आप जैसा चाहें वैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। खाने में बहुत ही टेस्टी हो रही थी, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई। अब देखिए मैंने ये जो चॉकलेट थी वो एक एक मैंने लंबाई में कट करी थी और ये इसमें लगा दी है और थोड़े से जेम्स डाल दिए हैं। बच्चे इस टाइप की चीज़ें कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। और इसके अलावा मैंने एक एक वेफर स्टिक रख दी इसमें और लास्ट में मैंने रेनबो बॉल से इसको डेकोरेट कर दिया। अब आप बताइए लुकिंग वाइज अच्छा लग रहा है ना, ये बच्चे तो देख के इतना खुश हो गए ना, उन्हें तो बोल रहा था बस हम जल्दी से ऐसे खा लें। 4 बज गए हैं, लेमन कॉफ़ी का टाइम हो गया है। मेरे ससुर जी पीते हैं, उनको देखा देखी मेरा बेटा और बेटी भी इसे थोड़ा बहुत पीने लगे हैं। तो मैंने जैसे 1 कप पानी लिया तो उसमें मैं 4 चम्मच लगभग चीनी ऐड करूँगी और आधा नींबू लिया और उसे गिलास में निचोड़ दिया। पहले मैंने दूसरा गिलास कप यूज़ कर रखा था, ग्लास कह रही हूँ कप, उसके आखिर मैंने इसमें मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम लगी, फिर मैंने दूसरे ग्लास में से शिफ्ट कर दिया और आधा पाउच, ये दो रुपये वाला पाउच होता है कॉफ़ी, इसमें ऐड करी। मेरे जो हस्बैंड है वो तो स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ससुर जी हल्का पसंद करते हैं। और लास्ट में जो मैंने चीनी वाला पानी था उबला हुआ वो इसमें ऐड कर दिया और ये तैयार हो गई गर्मा गर्म लेमन कॉफ़ी। खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों ने चाय पी ली है और लगभग 6 बजने वाले हैं, खाने का टाइम हो रहा है क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ख़राब है मेरी सास की, वरना वो मेरी हेल्प करती थी, आज वो कहाँ उठ पाएंगे, तो मुझे ही खाना बनाना है। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग का एंड कर दिया जाए, फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी ऊपर, अभी सब्जी काटूँगी तब टाइम पर खाना बनेगा क्योंकि हम लोग जल्दी ही खाते हैं खाना। मम्मी को आज दिन में खूब नींद आई है, अब देखते हैं रात को मम्मी सोती है या नहीं सोती। दिन भर सोती रही, उठ रही थी फिर सो जा रही थी, इवन मैंने नेबुलाइज करा था, नेबुलाइज लगाए लगाए भी सो गई। मुझे इतनी हंसी आ रही थी यार कि नेबुलाइज करने में मम्मी को नींद आ रही थी, बस मम्मी को ये हो रहा था मैं सो जाऊं। अब मैं मम्मी को गैस की दवाई देती हूँ, गैस की दवाई का टाइम हो रहा है। अरे नहीं, रात को आप सोई लेकिन डिस्टर्बिंग थोड़ी नींद आई ना आपको, क्योंकि कल ही हॉस्पिटल से आई हैं आप, तो वीकनेस तो है ही क्योंकि दवाइयाँ एंटीबायोटिक भी बदली हैं, तेज चली हैं, तो वीकनेस होती है। इस वजह से ही मम्मी को वीकनेस की वजह से भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं रात को जागरण होता है या जो होता है, मम्मी तो जागरण करने के साथ में फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा जागरण तो करूँगी, लेकिन मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ। चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय। और कल और आज तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल मन नहीं करा पढ़ाई करने का, तो भगवान का नाम लेके पेपर दिया जाएगा, लेक्चरर का जो होगा देखा जाएगा। 21 को है मेरा पेपर संडे को, और बेटे का तो मेरा आज हो गया हिंदी का पेपर, अच्छा ही हो गया। अब है उसका कब है, आज 19 को है उसका ईवीएस,
फिर लास्ट बचेगा 23 को है, जो कि मेरे पेपर के बाद होगा। और 23 को हिमाद्री का भी पेपर है, दोनों के एक साथ होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले हिमाद्री कराती हूँ क्योंकि उसका स्मॉल आता है, और उसके बाद गर्ल का पेपर कराती हूँ, तो फिर उन लोगों के फाइनल एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, मम्मी से बाय बाय।